हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल स्टडी टिप्स। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज है 17 जुलाई 2021 और आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। आप एक कॉपी पर इस करंट अफेयर्स को नोट डाउन कीजिएगा, 10 या 12 करंट अफेयर्स, और उसके साथ साथ बहुत सारे फैक्ट को भी डील किया जाता है, उसको अगर हो सके तो कॉपी में नोट डाउन कीजिए, नहीं तो आप सुनिए। बहुत ही आपको एक फ़ायदा देखने को मिलेगा, एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा करंट अफेयर्स के सेक्शन में। आप इस वीडियो को एंड तक देखना जिससे आपको करंट अफेयर्स के सेक्शन में एक इम्प्रूवमेंट फील हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सेशन को और देखते हैं कि क्या है आज कुछ नया। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन है कि दानिश सिद्दीकी जिनका निधन हो गया वो कौन थे। आपने सुना होगा अभी अभी दानिश सिद्दीकी, जो कि तालिबान आतंकियों के द्वारा उनका निधन हो गया है। ठीक है, दानिश सिद्दीकी कौन थे? तो ये एक फोटो जर्नलिस्ट थे, इंडिया से थे। ठीक है, फोटो जर्नलिस्ट थे और इनका निधन जो हुआ वो किस तरह से हुआ, तो आतंकवादियों के द्वारा हमला किया गया और इनका निधन हो गया। ठीक है, आतंकी हमले में उनका निधन कहाँ पर हो गया? तो अफगानिस्तान में। कहाँ पर? अफगानिस्तान में हो गया। आपको ये बात याद रखनी है। तो जो ये फोटो जर्नलिस्ट थे और वो क्या करते थे कि जो अफगानिस्तान में आतंकी मुठभेड़ में इनकी जान चली गई, तो इसकी जानकारी जो अफगानिस्तान में हमारे राजदूत हैं, जो एम्बेसडर हैं, फरीद मामूंदजई ने ट्वीट करके बताया कि कल रात कांधार में एक दोस्त दानिश सिद्दीकी की हत्या की दुखद खबर से गहरा दुख हुआ। भारतीय पत्रकार और पुलित्जर पुरस्कार विजेता, यानी कि दानिश सिद्दीकी जी को पुलित्जर पुरस्कार भी मिल चुका है। तो पुलित्जर पुरस्कार विजेता अफगान सुरक्षा बलों के साथ थे, यानी कि अफगानिस्तान में जो सुरक्षा बल है उसके साथ थे जब उन पर आतंकवादियों ने हमला किया था। तालिबान आतंकियों और अफगान सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में इनकी जान चली गई। मैं उन्हें से 2 हफ्ते पहले काबुल के लिए रवाना होने से पहले मिला था। ठीक है, उन्होंने फोटो पत्रकारिता के लिए अपने जुनून और अफगानिस्तान के लिए प्यार के बारे में बात की। ठीक है, तो ये जो है फरीद ममूदजई ने बताया, ट्वीट करके बताया कि उनकी जान चली गई है आतंकी मुठभेड़ में। ठीक है, तो आपको इसे याद रखना है, फोटो जर्नलिस्ट थे दानिश सिद्दीकी और उनकी हत्या हो गई। चलिए अगला देखते हैं। RRVL यानी कि रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड, ठीक है, ने जस्ट डायल के कितने प्रतिशत शेयर को खरीद लिया है। तो जस्ट डायल एक लोकल सर्च इंजन है, आप लोग देखते होंगे लोकल सर्च इंजन, इसमें आप डॉक्टर को, रेस्टोरेंट, ये सब क्या करते हैं, सर्च करते हैं। तो इस ये जो सर्च इंजन है, लोकल सर्च इंजन है, इसको रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया है। और कितने प्रतिशत फीसदी हिस्सेदारी खरीद ली गई है? तो 40.95 हिस्सेदारी इसकी खरीद ली गई है रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड के द्वारा जस्ट डायल में। और इसके लिए इसने कितने करोड़ रुपए खर्च किए? 3497 करोड़ रुपए इसने खर्च किए। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसके बाद ये जो अधिग्रहण किया, इसके बाद भी जो जस्ट डायल के फाउंडर हैं VSS मानी, ठीक है, VSS मानी जस्ट डायल के फाउंडर हैं, ये जो है अभी भी MD और CEO के पद पर काबिज रहेंगे जस्ट डायल के। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड शिकायत विश्लेषण एक मोबाइल एप्लीकेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, ठीक है, एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है CP Grams। इस मोबाइल एप्लीकेशन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो राजनाथ सिंह के द्वारा इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। और इस मोबाइल एप्लीकेशन को जो डेवलप किया गया है किसके द्वारा किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री और IIT कानपुर ने मिलकर इस शिकायत विश्लेषण यानी कि ग्रीवेंस मैनेजमेंट मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है और बनाया है। तो इसके कुछ सेलियंट फीचर्स हैं कि ये किस तरह से वर्क करते हैं, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आप लोग जानिए कि CP Grams मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? राजनाथ सिंह, जो कि अभी हमारे रक्षा मंत्री हैं, अभी जो कैबिनेट मिनिस्ट्री में चेंज किया गया था उसके बारे में मैं बात कर लेता हूं कि अमित शाह को अभी कौन सा मंत्रालय मिला? तो इनको मिला गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय, जो कि अभी एक नया मंत्रालय गठन किया गया है। नारायण राणे को MSME मंत्रालय मिला है और अश्विनी वैष्णव को कौन सा मंत्रालय मिला है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैंने ट्रिक बेस्ड पर
सारे कैबिनेट मिनिस्टर को की एक लिस्ट आप लोगों को दिया है, वो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर उसे जरूर प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, ठीक है। और ये जो आर्टिफिशियल बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन है, शिकायत बेस्ड, उसको 15 जुलाई 2021 में रक्षा मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया। इसको बनाया किसके द्वारा गया है? IIT कानपुर और डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बेस्ड एप्लीकेशन है, ये क्या करेगा? ऑटोमेटिकली लोगों के कंप्लेंट्स को क्या करेगा? चेक करेगा और उसको एनालिसिस करेगा कि ये कितने सही है, कितना जेन्युइन है। अच्छा, इससे क्या होगा कि लोगों का जो टाइम होगा वो रिड्यूस होगा, ठीक है, सेव करेगा ये टाइम को, और लोगों के जो कंप्लेंट्स होंगे, उसके जो प्रॉब्लम्स होंगे, उसको जल्दी से रिजॉल्व करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप होगा, ठीक है। ये जो ऐप होगा, ये क्या करेगा? आइडेंटिफाई भी करेगा रिपीट कंप्लेंट्स को और उसको स्पैम कर देगा ऑटोमेटिकली। अगर आप बार 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 एक ही कंप्लेंट को रिपीट कर रहे हैं तो वो उसको आइडेंटिफाई भी करेगा और उसको स्पैम में डाल देगा। तो इस तरह के ये कुछ सेलियंट फीचर्स हैं। आप PDF को डाउनलोड करके वहां से इसे देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं कि इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना, ठीक है। इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना एक योजना है 2021 जिसको किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, ये किस राज्य सरकार की योजना है? अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना किस राज्य की योजना है तो आपको बताना है कर्नाटका, ठीक है। कहाँ की योजना है? कर्नाटका की ये एक योजना है, इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का योजना वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। और अभी अगर पूछे कि कर्नाटका के CM कौन है तो येदियुरप्पा साहब, ठीक है, येदियुरप्पा साहब यहाँ के CM है। और अभी कर्नाटक का राज्यपाल यहाँ पर नियुक्त किया गया है थावरचंद गहलोत जी को, ठीक है। थावरचंद गहलोत कर्नाटका के राज्यपाल बने हैं। गोवा के राज्यपाल कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। हिमाचल प्रदेश के कौन है? और हरियाणा के बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? ये मैंने डेली वीडियो में बता रहा हूँ, आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है, ठीक है। ये हो गया यहाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, IAHE ने नोएडा में ATTS सेंटर फॉर ATTS के लिए केंद्र स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये IAHE क्या है? तो इंडियन एकेडमी, इस तरह से आप देखें, इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स, यानी कि जो क्या है, सड़क और परिवहन मंत्रालय है, उसके अंतर्गत इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स ने नोएडा में उन्नत परिवहन और प्रौद्योगिकी प्रणाली, जिसका फुल फॉर्म है ATTS का फुल फॉर्म है, क्या है इसको बोल सकते हैं आप लोग, एडवांस ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम, यानी कि उन्नत परिवहन प्रौद्योगिकी और प्रणाली के लिए एक केंद्र स्थापित करेगा इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर, ठीक है। ये क्या करेगा? नोएडा में एक केंद्र स्थापित करेगा जिससे कि जो यहाँ के सड़कें हैं, जो यहाँ के सड़कों का ये पुनरुद्धार होगा, यहाँ के सड़कों में क्या होगा, इसका डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो इसके डेवलपमेंट के लिए केंद्र स्थापित करेगा। इसके लिए किसके साथ MOU समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो इसके लिए न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है, इसके साथ IHI ने क्या किया है, समझौता पर हस्ताक्षर किया है। यहाँ आप देख रहे होंगे ये नितिन गडकरी जी, जो कि वर्चुअल रूप से हुआ है ये कार्यक्रम इस तरह से, ठीक है, वर्चुअल आभासी रूप से, इसका मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये कॉन्फ्रेंस किया गया है और इसके लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी के द्वारा। अगर आपको बता दें कि जापान के साथ इंडिया का एक MOU साइन हुआ है, मालदीव के साथ, दोनों के साथ इंडिया का जो क्या बोलते हैं कि MOU साइन हुआ है, किस लिए हुआ है? तो अर्बन डेवलपमेंट के लिए। किसके लिए? अर्बन, शहरी सभ्यता, शहरी विकास के लिए डेवलपमेंट के लिए जापान और मालदीव के साथ इंडिया ने समझौता किया है, ठीक है, समझौता पर हस्ताक्षर किया है। वही अर्जेंटीना के साथ मिनरल रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के लिए इंडिया ने एक MOU साइन किया। तो यहाँ से आप इन ऑप्शंस को भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी कि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मैनेजमेंट अब कौन करेगा? किसके हाथ में दे दिया गया है? तो अडानी ग्रुप के हाथ में अब मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आ गया है। अब ये इसका मैनेजमेंट, इसका देखरेख करेगा अडानी ग्रुप। इसी के साथ
मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मैनेजमेंट को अडानी ने जो संभाला, इसके साथ अडानी ग्रुप एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी में सबसे टॉप की कंपनी बन गई है। तो अडानी पर बहुत मेहरबान हो रही है गवर्नमेंट। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। सुरेखा सीकरी, सुरेखा सीकरी जिनका निधन हाल ही में हो गया, वो कौन थी? आप इन्हें बहुत भलीभांति इनसे परिचित होंगे, इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, बहुत सारे सीरियल्स, बहुत सारे वेब शोज में आपने इन्हें देखा होगा। ठीक है, बालिका वधू इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस सीरियल थी, आपने उसमें भी इसे देखा होगा दादीसा के रूप में। ठीक है, तो इनका निधन हो गया, ये एक अभिनेत्री थी। ठीक है, इनका अभी निधन हो गया। अगर आपसे पूछे कि ये कौन थी तो आपको बता देना है, सिंपल, एक्ट्रेस थी। वहीं आप देख रहे हैं एनवायरमेंटलिस्ट, तो अभी अभी एक पर्यावरणविद, बहुत इंपॉर्टेंट पर्यावरणविद का निधन हुआ, जिसका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से ये रिलेटेड है, इसके बारे में मैंने चर्चा किया है। ठीक है, तो आप ये जानना आपको बहुत जरूरी है, इस तरह से आप पीछे से भी रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। वहीं एक स्प्रिंटर थे, इंडियन स्प्रिंटर, कौन है? मिल्खा सिंह। ठीक है, मिल्खा सिंह, इनका भी निधन हो गया है, अभी इनका भी निधन हो गया है। बिचौरी से अगर आपसे पूछा जाए तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो ये है मिल्खा सिंह, सुंदरलाल बहुगुणा का भी अभी निधन हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, मंडवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो फाइनली आप सुन रहे होंगे मंडवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाएगा, मंडवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाएगा, लेकिन अब फाइनली मंडवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस कर दिया गया है। आपको इसे याद रखना है, मंडवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम बनारस रख दिया गया है। अटल नगर किसका बदला हुआ नाम है? तो न्यू रायपुर। ठीक है, न्यू रायपुर का चेंज नाम अटल नगर है। ठीक है, अब न्यू रायपुर को अटल नगर के नाम से जानेंगे। बीजापुरा, बीजापुर आप सुन रहे होंगे। ठीक है, बीजापुर आपने सुना होगा, बीजापुर को बदलकर अब विजयपुरा कर दिया गया है। वही नर्मदापुरम किसका नाम है? तो होशंगाबाद, आपने सुना होगा मध्य प्रदेश में होशंगाबाद, और होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। ये रहा यहां से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस यानी कि इंटरनेशनल वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस किस दिन मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट डे है, आपको याद रखना है, 17 जुलाई को वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। जो इंपॉर्टेंट डेज है जुलाई में, वो एक बार हम लोग रिविजन कर लेते हैं। 1 जुलाई को कौन सा डे मनाया जाता है? नेशनल डॉक्टर्स डे। 2 जुलाई को वर्ल्ड UFO डे और वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे मनाया जाता है 2 जुलाई को। और जुलाई के फर्स्ट सैटरडे में मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। 4 जुलाई को अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे। 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोज डे, इसके बारे में मैंने बात किया है अपने वीडियोज में। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 12 जुलाई को वर्ल्ड मलाला डे। ठीक है, मलाला दिवस मनाया जाता है। 17 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड डे ऑफ फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, जिसके बारे में मैंने भी बात किया। आगे देखते हैं, अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर, ठीक है, अमेरिका में जो लेबर डिपार्टमेंट है उसकी सॉलिसिटर किस भारतीय मूल की महिला को बनाया गया है? तो ये रही आपकी सीमा नंदा जी। ठीक है, ये एक एडवोकेट है। ठीक है, एडवोकेट है, नागरिक मतलब सिटीजन्स के जो राइट्स है उस पर उसके ये वकील है। ठीक है, नागरिक अधिकार की एक वकील है, और इन्हें श्रम विभाग की सॉलिसिटर के रूप में अभी इन्हें नियुक्त किया गया। भारतीय मूल की है, इंडियन ओरिजिन है। इससे पहले भी ये जब ओबामा गवर्नमेंट, ओबामा सरकार था वहाँ पर, ओबामा राष्ट्रपति थे, तो उस समय भी ये जो थी श्रम विभाग के डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी की CEO भी थी। ठीक है, डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी, ठीक है, डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी की CEO भी रह चुकी हैं ओबामा गवर्नमेंट के अंडर में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। वहीं चंद्रशेखर घोष को क्या अभी बनाया गया है? MK जैन को क्या बनाया गया है? कुलदीप सिंह को क्या बनाया गया है? तो आपको एनुअल इंटीग्रेटेड रेटिंग रिपोर्ट 2019-20 में, जो 2019-20 में एनुअल इंटीग्रेटेड रेटिंग रिपोर्ट लाया गया है, जो कि पावर फिनांस कॉरपोरेशन के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। पावर फिनांस कॉरपोरेशन PFC, आपको याद रखना है, पावर फिनांस कॉरपोरेशन, जो कि बिजली कंपनियों को लोन देती है, और हर साल वो किस तरह से काम कर रही है, उसकी कार्यशैली को, वो उसको उसका जो मतलब कार्यकारी संस्था को किस तरह से वो काम कर रही है, सिंपल आप बता रहे हैं, उसका काम करने का जो ढंग है, किस तरह से उसने काम किया है, उसको क्या कराती है, सर्वे कराती है, और हर साल एनुअल इंटीग्रेटेड रेटिंग रिपोर्ट PFC के द्वारा जारी किया जाता है। तो 2019-20 में जो एनुअल इंटीग्रेटेड
रेटिंग रिपोर्ट पीएफसी के द्वारा लाया गया है। इसमें गुजरात को फर्स्ट स्थान मिला है। आपको याद रखना है गुजरात इसमें फर्स्ट स्थान पर आया है और हरियाणा को सेकेंड स्थान मिला है। गुजरात को फर्स्ट स्थान मिला है और हरियाणा को सेकेंड स्थान मिला है। तो आपको यहाँ से ये इतने याद रखना है। ये रहा आज का हमारा इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। अगर आपको करेंट अफेयर्स के वीडियो, हमारा करेंट अफेयर्स का कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों आप हमारे चैनल के जो कंटेंट हमारा चैनल पर डाला जाता है उसको लोगों को जरूर बताएं, उसको लोगों को जरूर बताएं और इसको शेयर करें ताकि लोगों के बीच में हमारे चैनल का नाम हो। आप हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की और अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने के लिए मोटिवेशन मिले। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए सेफ रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ाई में मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।